इस वक्त विशाल हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, हमने देखा कि जी की गाड़ी पर भी हमला हुआ, उससे पहले भी, और जो जो प्रशासनिक गाड़ियां थी उन पर निशाना बनाया जा रहा था। आप भी वहां पर भी बाल बाल बचे, चल क्या रहा है इस वक्त, क्या खबरें हैं, क्योंकि लगभग 3:30 के करीब का वक्त हो गया। देखिए नंदीग्राम की तस्वीरें जो हम आपको देखिए, इस वक्त ममता बनर्जी बॉयल पोलिंग बूथ पर पहुंची हुई हैं और यहां पर ममता दीदी के समर्थक और बीजेपी के समर्थक आमने सामने हैं। आप इस तरफ देखिए, ये जो लोग आपको दिखाई देंगे ये बीजेपी के समर्थक हैं, यहां पर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और ममता दीदी पोलिंग बूथ के अंदर बैठ गई हैं और वो आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग उनकी शिकायतों का संज्ञान नहीं ले रहा। लगातार दोनों तरफ से नारेबाजी हो रही है। उधर दूसरी तरफ लगभग 100 मीटर की दूरी पर टीएमसी के समर्थक मौजूद हैं और इस तरफ बीजेपी समर्थक मौजूद है। अतिरिक्त पुलिस फोर्स को यहां पर बुलाना पड़ा है चुनाव आयोग को, क्योंकि ममता दीदी पोलिंग बूथ के अंदर मौजूद हैं जहां से लगातार शिकायत कर रही हैं और दूसरे बाहर बीजेपी और टीएमसी के समर्थक आमने सामने हैं। एक तरफ ममता बनर्जी के समर्थन में नारेबाजी हो रही, तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में नारेबाजी हो रही है। जो लोग यहां पर मौजूद हैं हम उनसे पूछते हैं कि क्या मुद्दा है, ममता दीदी आई यहां पर। ममता दीदी इधर बेकार में गंडगोल करने का चेष्टा कर रहा है, लेकिन वो कोशिश नहीं है होगा क्योंकि नंदीग्राम में वो विपुल वोट से हारेगा। तो देखिए यहाँ पर सचिन, ये पूरी जो भीड़ आप देख रहे हैं, पुलिस प्रशासन इन्हें यहाँ से दूर हटाने की कोशिश कर रही है क्योंकि यहाँ माहौल ना बिगड़े, शांति बनी रहे, यह कोशिश की जा रही है। ये पूरे आपको जो इस तरफ के लोग दिख रहे हैं वो बीजेपी के समर्थक हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। यहाँ पर ममता बनर्जी यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर पोलिंग बूथ में मौजूद हैं, चुनाव आयोग के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनसे बातचीत करने के लिए। अब हम आपको दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाएंगे, वहाँ पर भी आपको अर्धसैनिक बलों की तैनाती दिखेगी। दरअसल रोड के उस तरफ टीएमसी के समर्थक मौजूद हैं जो कि इस गांव में ही आते ही ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया था कि यहां रिगिंग हो रही है, उनके इलेक्शन एजेंट को यहां से हटा दिया गया था, जिसके बाद ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर ही पोलिंग बूथ में बैठ गई हैं और ये दोनों तरफ खेत है और बीच में पोलिंग बूथ है जहां पर ये पूरा इस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा आप नंदीग्राम में देख सकते हैं। पुलिस प्रशासन के सामने भी सबसे बड़ी चुनौती है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में यहां हालात न बिगड़ जाए, क्योंकि दोनों के समर्थक यहां पर आमने सामने हैं, अर्धसैनिक बलों की यहां पर तैनाती कर दी गई है। और जब आप दूसरी तरफ आएंगे, इधर टीएमसी के जो समर्थक हैं ममता बनर्जी के, वो रोड के उस तरफ खड़े हुए हैं। दरअसल ममता बनर्जी दोपहर 2 बजे के बाद घर से निकली थी कई पोलिंग बूथ पर जाने के लिए, वहां का जायजा लेने के लिए, और जब यहां वो पहुंची तो उन्होंने एक के बाद एक कई आरोप लगा दिए चुनाव आयोग पर। राज्यपाल को फ़ोन भी कर दिया यहां से कि उन्हें उनकी शिकायतों का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और उसके बाद जब आप यहां की तस्वीर देखेंगे, यहां पर एडिशनल फोर्स पुलिस प्रशासन को बुलानी पड़ी है, तैनाती की गई है। हालांकि यहां से थोड़ा पीछे ज़रूर समर्थकों को किया गया है, दोनों ही पार्टियों के, टीएमसी और बीजेपी के, और ये पूरा गांव है, मिली जुली आबादी यहां पर है हिंदू मुस्लिम की। एक तरफ आपको बीजेपी के समर्थक रहेंगे। अब देखिए इधर महिलाएं, आपसे थोड़ी देर पहले हमने इनसे बातचीत की थी, तो जब यहां अर्धसैनिक बल पहुंचा उसके बाद उन्हें पीछे किया गया है ताकि। ठीक है विशाल, मैं वापस यहां पर लौटूंगा। आपने जैसा कहा कि कहीं अगर ममता बनर्जी पहुंचती हैं तो टीएमसी वाले समर्थक साथ होते हैं, सामने बीजेपी के समर्थक आ जाते हैं, स्थिति वहां भी गंभीर हो जाती है। और रही गायब वगैरह स्थिति इस वक्त नंदीग्राम में सुबह से नजर आ रही जब से पोलिंग चल रही है, ऐसे नहीं कहा जा रहा है कि नंदीग्राम तय करेगा कि बंगाल किस तरफ जा रहा है। वापस आपके पास लौटूंगा, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.